अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे हल कर अपनी मश्क खुद कीजिए। अंग्रेजी के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरिलेटिंग वर्ड्स विद पिक्चर। इस जुज में हमें एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वगैरह होंगे। इस इकाई में तलबा को दी हुई तस्वीर से ताल्लुक रखने वाला लफ्ज़ पहचानना और समझना होता है और उसके मुताबिक हमें ऑप्शन तलाश करना होता है। आपको इसके पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की किताबों के अंदर जो भी अल्फाज हो गुजरे हैं उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसके गार्डन ऑफ वर्ड्स को याद कीजिए, पिक्चर के साथ में जो वर्ड्स दिए जाते हैं उसको याद कीजिए, ताकि आपको उसकी हेल्प जो है वो यहाँ पर आपको हो सके। यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं, ये भी आपकी दर्सी किताब के ही है क्योंकि गुज़िश्ता जमातों में आपने देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर है रीडिंग, एक्शन वर्ड है, राइटिंग, ईटिंग, वॉशिंग हैंड्स, ड्रिंकिंग टी, स्लीपिंग, रनिंग, जंपिंग, इस तरह के आपको दिए जाएंगे, वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्वीपिंग द फ्लोर, क्लोजिंग द डोर, क्लाइंबिंग अ ट्री, क्राइंग, स्माइलिंग, वेविंग, राइडिंग अ हॉर्स, लाफिंग, ड्राइविंग अ कार। चंद एक्शन वर्ड्स थे, इस तरह के और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं। आप अलग अलग किताबों का मुताला कीजिए, आपको ज़रूर और भी अल्फाज मिलेंगे और आपके जखीरे अल्फाज में इजाफा होगा। यहाँ पर हम कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर विच द गिवन एक्शन वर्ड्स आर एप्लीकेबल। और वो एक्शन वर्ड्स है ओपन, रीड, राइट। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि आपको जो पेपर में सवाल आएंगे वो इंग्लिश में होंगे, तो आपको समझना है उस सवाल को। यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमें ऐसा अल्टरनेट चूज करना है कि जो ये एक्शन वर्ड से रिलेटेड है, ओपन, रीड, राइट। यहाँ पर हम ओपन यानी खोलना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, हम किताब या बयाज के साथ में करते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए हम 3 नंबर को फिल करेंगे। अगला सवाल है, सी द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड, व्हाट इज द गर्ल डूइंग। यहाँ पर सवाल है कि लड़की क्या कर रही है, व्हाट इज द गर्ल डूइंग, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, स्विमिंग। तो ये वर्ड्स है, इसमें से कौन सी एक्शन जो वो कर रही है हमें दिख रहा है, तो वो सिंगिंग, गा रही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए हम 2 नंबर को फिल करेंगे। हमारा अगला सवाल है, सी द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू गेट अ वाइल्ड एनिमल्स नेम। यहाँ पर हमारे को इस पिक्चर के पहले जमा का निशान है, यानी उसको एक ऐसा लफ्ज जोड़ना है, हुर्फ जोड़ना है जो कि वाइल्ड एनिमल का नेम बनाता हो। यहाँ पर ईयर है, इसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं कान को, तो यहाँ पर बी लगाएंगे तो वो बनेगा बियर। हालांकि यहाँ पर एन लगाएंगे तो भी एक लफ्ज बनेगा, एच लगाएंगे तो भी लफ्ज बनेगा, डी लगाएंगे तो भी एक लफ्ज बनेगा, नियर, हियर और डियर, लेकिन हमें बोला गया है कि वाइल्ड एनिमल का नेम, हम बी लगाएंगे यानी भालू बनेगा, इसलिए हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नेम द वेजिटेबल। यहाँ पर वेजिटेबल का एक वेजिटेबल दिया गया है, आपको पता है कि इससे मूली कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपके जखीरा अल्फाज जो है ज्यादा होना चाहिए, वसी होना चाहिए, ताकि आपको फौरन उसका जवाब आए और आपका वक्त जाया ना हो। यहाँ पर रेडिश, मूली को रेडिश कहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 नंबर के ऑप्शन को फिल करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ मिसालें थी जो कि एक्शन वर्ड्स और कोरिलेटिंग वर्ड्स जो थे उससे मुताल्लिक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी तरह की जो है टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे हल कीजिए और अपनी मश्क कीजिए। इंशाल्लाह हमारा अगला वीडियो राइमिंग वर्ड्स पर मुनहसिर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।